नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनुप भारती क्लासेस में। और दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, और इस नई वीडियो में आप देखेंगे टू डिजिट स्क्वायर ट्रिक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टू डिजिट स्क्वायर ट्रिक क्या है। तो दोस्तों कहीं पर भी आपको जब जरूरत पड़ती है स्क्वायर निकालने की, तब आप सोचते हैं कि कहीं से कॉपी पेंसिल मिल जाए, कैलकुलेटर मिल जाए, तो आप जल्दी से निकालने की कोशिश करें। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा, ना ही आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको जरूरत पड़ेगी पेंसिल और कॉपी की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ चुटकियों में निकलने वाली एक स्क्वायर की ट्रिक। तो दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो स्क्वायर की ट्रिक है, ये केवल और केवल टू डिजिट स्क्वायर के, टू डिजिट नंबर के लिए है। तो यहां पर मैं सबसे पहले एक नंबर लिख रहा हूं 65, इसका स्क्वायर हम निकालेंगे। मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर यहाँ पर 43 का। ये कुछ नंबर्स मैं अपने मन से ऐसे ही लिख दे रहा हूं, और यहाँ पर हम नंबर एक लिख देते हैं 49। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने तीन नंबर लिखे हैं, और इन तीन नंबर में दो ट्रिक्स छुपी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ वो दो ट्रिक क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं वो ट्रिक जो यूज होती है जिन नंबर के लास्ट में 5 होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों में अलग अलग ट्रिक्स कैसे, तो देखिए बहुत आसान ट्रिक है। 5 जिन नंबर्स के लास्ट में आता है उसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि यहां पर 5 है, और 5 ही जब हम 65 × 65 करेंगे तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 25। और जब 25 यहां पर आया, अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या आएगा। बहुत सिंपल है, 6 यहां पर नंबर है, इसका एक नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7। तो 6 की 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और लिख दीजिए यहां पर, ये आ गया आपका स्क्वायर। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक। अभी हम देखते हैं इसका आगे का एक और नमूना कि क्या ये ट्रिक हमारी कामयाब है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 75। तो 75 का स्क्वायर निकालना है, लीजिए 5 की 5 से मल्टीप्लाई करी है 25 आ गया, और 7 का नेक्स्ट नंबर 8 तो 56। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप जिन नंबर के लास्ट में 5 है उनका स्क्वायर निकाल सकते हैं। Within 2 to 3 seconds में आप पूरा का पूरा स्क्वायर निकाल सकते हैं। और ये जो ट्रिक है, ये आप चाहे 3 digit में हो, 4 digit में हो, 5 digit में हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आता है उन सभी का स्क्वायर आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आज की दूसरी ट्रिक पर। अब उस दूसरी ट्रिक में आप देखेंगे एक अलग जो मेथड है स्क्वायर निकालने का। यहां पर नंबर है हमारे पास में 43। तो इस 43 में आप क्या देखेंगे, क्या करना है आपको, यहां पर आप इसको दो पार्ट्स में कर लीजिए। टू डिजिट का नंबर है, टू पार्ट्स में हमने इसको कर लिया है 4 and 3। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। लेकिन जब भी हम नंबर लिखेंगे तो उसको डबल डिजिट में लिखेंगे 09। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये 43 का स्क्वायर है। नहीं, ये 43 का स्क्वायर नहीं है। अब आगे इसमें छोटा सा एक आपको और काम करना है। वो काम क्या है, ये जो नंबर है 4, 3, 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। अगर हिंदी में बोले तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, और उसको वंस की डिजिट छोड़कर, वंस की ये डिजिट छोड़कर टेंस की डिजिट से आप इस 24 को लिख देंगे और इसको कर देंगे हम प्लस। तो 9, 4, 6 + 2 = 8 and 1, 1, 8, 4, 9। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 43। तो देखा आपने कितनी आसानी से। चलिए हम देखते हैं 49 में इसी ट्रिक को लगाकर। तो 9 × 9 = 81, 4 × 4 = 16, 4 × 9 = 36, 2 = 72, 7, 6, 13, 14 and 2, 4, 0, 1। देखा आपने कितना कम समय लग रहा है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में। तो दोस्तों आप ऐसी ही ट्रिक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे अपने आपके अपने चैनल अनुप भारती क्लासेस को, और एंजॉय कीजिए मैथ्स को। थैंक यू।